हेलो दोस्तों, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज पर। दोस्तों, आज आपके लिए मैं अपने चैनल पर लेकर आई हूं नींबू और हरी मिर्च से बने हुए इस टेस्टी से पिकल की रेसिपी, जो कि इंस्टेंट बनेगा और बहुत ही कम सामान से बनेगा, बहुत ही लेस टाइम में बनेगा, फटाफट से बनने वाला अचार की वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। तो चलिए फटाफट से बता देती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए और कैसे चाहिए, हमें इसे लेना कैसे है, काटना कैसे है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिए हैं 1 किलो नींबू। जी हाँ, यहाँ पर मैंने 1 किलो नींबू को अच्छे से वॉश किया और फिर इसे धूप में सुखा लिया, क्योंकि हम बना रहे हैं ऐसा अचार जो सालों साल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। साथ ही मैंने ली है 1/2 किलो हरी मिर्ची और हरी मिर्च को भी मैंने अच्छे से वॉश किया है और फिर धूप में सुखा लिया है जिससे इसमें कोई पानी ना हो। लहसुन लिया था, जो कि लगभग 250 ग्राम से ज़्यादा लहसुन थे, 300 ग्राम लहसुन आप मान सकते हैं, जिनको अच्छे से मैंने छील लिया है। लहसुन को वॉश नहीं किया है क्योंकि इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। अदरक लिया था, इनके छिलके उतार कर और इनको भी मैंने अच्छे से धुल लिया, क्योंकि अदरक में थोड़ी मिट्टी होती है जो हमारी अचार में किरकिरी कर सकती है। तो अदरक के टुकड़ों को अच्छे से छीलने के बाद इनको वॉश किया और फिर धूप में सुखा लिया। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें अचार के लिए धूल कर और सूख कर तैयार हो चुकी हैं। अब हमें इन्हें धूप नहीं दिखाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए फटाफट से अब हम देख लेते हैं कि इन चीज़ों को हमें काटना कैसे है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें नींबू को कैसे कट करना है। इस अचार के लिए मैं नींबू को कट करूँगी थोड़े छोटे टुकड़ों में। इससे पहले मैंने नींबू के अचार की एक रेसिपी शेयर करी है जिसमें मैंने नींबू के थोड़े बड़े टुकड़े काटे थे, पर अभी यहाँ पर इस अचार के लिए मैं लूँगी थोड़े छोटे छोटे टुकड़े। तो कुछ इस तरीके के छोटे टुकड़े हमें चाहिए होंगे। अगर आपके नींबू छोटे हैं तो आप जो है एक नींबू में सिर्फ 4 टुकड़े करें। मैंने यहाँ पर एक नींबू में जो है 8 टुकड़े किए हुए हैं। इस तरीके से सारे नींबू को कट करके रख लेंगे। और नींबू के साथ साथ मैं आपको दिखा दूं कि हमें मिर्ची को कैसे कट करना है। मिर्ची का पहले हम ऊपर का नाका निकाल लेंगे और मिर्ची में इस तरीके से बीच में एक चीरा लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से सारी मिर्चियों में चीरा लगा कर रख लें और देख लें, अगर कोई मिर्ची सड़ी है या सूख रही है तो उसे अचार में यूज़ ना करें, क्योंकि दोस्तों ये सालों साल चलने वाला अचार है, तो हमें जो है सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की लेनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से हम मिर्चियों को भी चीर कर रख लेंगे। जैसे इस मिर्ची का ये पार्ट खराब है तो इसे मैं काट कर अलग कर दूंगी। और मिर्ची के बाद अब आती है अदरक की बारी। अदरक भी मैं आपको दिखा दूं कि हमें कैसे कट करना है। अदरक के जो है इस तरह से पतले स्लाइसेस कर लेंगे पहले और फिर इस तरीके से इसके लच्छे काट लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने अदरक को भी काट कर रख लिया है। इसी तरह से हम सारे अदरक को कट कर लेंगे। लहसुन का हमें कुछ भी नहीं करना है, लहसुन को मैं ऐसे ही डालूंगी। आप चाहें तो अगर लहसुन बड़े हैं तो उन्हें आप इस तरह से दो फांकों में काट सकते हैं, पर लहसुन मैं ऐसे ही यूज़ करूंगी, या फिर लहसुन को आप क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ों की चॉपिंग करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। तो अभी यहाँ पर मैंने सारे नींबू को कट करके रख लिया है, मिर्ची को भी चीर कर रेडी कर लिया है, साथ ही अदरक के भी लच्छे कटकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने मसाले के प्रोसेस की तरफ। देखते हैं मसालों में हमें क्या क्या चाहिए। तो अभी यहाँ पर पहले हम अचार के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और पैन को गैस पर रख दिया है। तो चलिए इसमें अब हम अपने मसाले 1 by 1 करके डालते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे जीरा। जीरा मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। साथ ही हमें चाहिए होगी सौंफ। सौंफ भी मैंने 3 टेबल स्पून ली है। और अब इन दोनों चीज़ों को हम सिम फ्लेम पर अच्छे से खुशबू आने तक रोस्ट करते हैं। एक दो मसाले और अभी हमें डालने हैं, लेकिन वो मैं जो है बाद में ऐड करूंगी। तो चलिए इसे हम सिम फ्लेम पर पहले रोस्ट करते हैं। मसालों को भूनते हुए सिम फ्लेम पर लगभग 1 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हैं सौंफ ने अपना कलर काफ़ी अच्छे से चेंज कर लिया है। और सौंफ और जीरे का जब कलर चेंज होने लगे तब समझिए मसाले हमारे रोस्ट होने शुरू हो चुके हैं। तो इसे अब मैं 1 मिनट और थोड़ा सा रोस्ट करती हूँ और फ्लेम को आप सिम ही रखें। ध्यान रखें कि मसाले बिल्कुल भी जलने ना पाएं। तो अभी यहाँ पर मसालों से काफ़ी अच्छे से खुशबू आने लगी है। तो इस टाइम पर मैं आपको दिखा दूँ कि हम लेंगे थोड़ी सी पीली सरसों, जो कि लगभग 2 टेबल स्पून है। साथ ही छोटी वाली लाल राई, ये जो है
वन टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि लगभग 1.5 टेबल स्पून मान सकते हैं। और दोनों चीज़ों को इसी मसाले के साथ हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, क्योंकि मसालों में जो नमी होती है उनको अच्छे से रोस्ट करने से फिर नमी निकल जाती है, तो अचार के ख़राब होने का डर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर मसालों को थोड़ा सा यहाँ रोस्ट करूँगी। राई को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर हल्का ही रोस्ट करेंगे। और इस टाइम पर मैं गैस को बंद कर रही हूँ, और गैस को बंद करके फिर हम जो है राई को यहाँ पर गरम मसालों के साथ छोड़ेंगे, जिससे राई की नमी निकल जाए। आप चाहें तो सिंपल पीली सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपल लाल छोटी राई का। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों को लिया है, जिससे कि दोनों का स्वाद हमारे अचार में बहुत अच्छा आएगा। तो अब यहाँ पर इन मसालों को हम एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे, और मसालों को हल्का सा ठंडा कर लेते हैं पहले। तो अभी यहाँ पर जब हम हाथ लगा कर देखते हैं तो मसाले हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब इन मसालों को मैं डालूंगी मिक्सी के जार में, और इसका एक बनाएंगे फाइन सा पाउडर। यहाँ पर मसालों का बढ़िया सा पाउडर मैंने पीस कर रेडी कर लिया है। इसे बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं किया है, थोड़ा दरदरा सा रखा है, जो कि अचार में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर अचार को अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन। आप किसी भी बड़े बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें चलिए हम वन बाय वन अपनी सारी चीज़ें पहले डालते हैं। तो सबसे पहले मैं डालूंगी नींबू के टुकड़े, साथ ही हरी मिर्चें, साथ ही ये लहसुन की कलियां, अदरक के टुकड़े। और अब बारी आती है अचार में नमक और मसाले ऐड करने की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ काला नमक। तो नींबू के अचार में जब भी हम काला नमक यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पर मैंने हाफ से कम, यानी कि लगभग 2 टेबल स्पून काला नमक लिया है, और बाकी का जो है सादा नमक हम यूज़ करेंगे। साथ ही हम डाल देंगे सादा नमक। इसके अलावा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। हींग मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा सा ही लिया है। इसके बाद जो मसाले मैंने पीस कर रखे थे वो हम यहाँ ऐड करेंगे। साथ ही एक बात और कि अगर आप इस अचार में हरी मिर्च का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप पिसी हुई लाल मिर्च का यूज़ करें, उससे अचार थोड़ा सा तीखा बनेगा। पर अगर आपने हरी मिर्च डाली है तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, जिससे कि अचार में आएगा एक बढ़िया सा कलर। और किसी बड़े स्पून से एक बार हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो अभी यहाँ पर सारी चीज़ों को मिलाने के बाद एक और मेन चीज़ जो रह गई है वो की है सरसों का तेल। तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल ऐड करूँगी, और ये सरसों का तेल मैं बिना गर्म किए ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1/2 kg के लगभग सरसों का तेल ऐड किया है। तेल को अच्छे से मिला लेते हैं, और बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है इस अचार में। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि तेल में हम पूरे अचार को डुबा देंगे, तेल उतना ही डालें जितने में पूरा अचार अच्छे से सोख लें। तेल डालने के बाद अच्छे से मिला लें। तो तेल को अच्छे से मिलाने के बाद अब बारी आती है कि इसे हम जो है किसी जार में या फिर प्लास्टिक के डब्बे में भरकर धूप दिखाने की। तो इस अचार को 2 से 3 दिन आप धूप दिखाइए, उसके बाद से जो है ये अचार बहुत अच्छे से खाने लायक हो जाएगा। और अगर आपको अचार की रेसिपी अच्छी लगी है दोस्तों, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। फिर मिलूंगी अपने नए रेसिपी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।